सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। घटना ये हुआ है कि मेरा बड़ा वाला भाई सूरत जा रहा था, सतना में जो है उसको ठंड लग गया है सतना स्टेशन में, तो उसने जो है जीआरपी वाले उसको हॉस्पिटल में लेके भर्ती कराए हैं। वो मुझे फ़ोन किया था कि जो है मुझे ठंड लग गया है, तुम इधर से एक आदमी आ जाओ और मेरी दवा कराओ। तो जीआरपी वाले उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। हम लोग वहाँ से आए, जब तक पुलिस वाले हमको फ़ोन किया कि तुम्हारे भाई का मृत्यु हो चुका है, तो हम लोग आए। आज उसका जो है पोस्टमार्टम करवा के हम लोग लाश घर ले गए हैं। अभी जो उसका दह संस्कार करके आए हैं। सूचना दिया तो कोई कुछ काम हुआ नहीं हमारा, और ना ही हमको सरकार से कोई लाभ मिला है आज तक। हमारे गांव में ये बहुत ही गरीब परिवार है। इसका मुखिया जो है जल भी गया था पहले, और ये बिल्कुल गरीबी की रेखा के अति नीचे परिवार है। इसके 5 लड़के हैं, सभी लड़के परदेश कमाते हैं। ये जो मृतक जो भी लड़का मर गया ठंड खा करके, ये जा रहा था अपने भाइयों के यहाँ वहाँ सूरत, रास्ते में सतना के पास ये ठंड से मर गया। मर जाने पर सूचना मिली, हम लोगों ने इसका दाह संस्कार करा दिया। और मैं चाहता हूँ कि शासन से इस परिवार को मदद बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। नहीं ये मर जाएगा परिवार, बाप कुछ कर नहीं पाता, माँ कुछ कर नहीं पाती, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर इनके लिए रहने को नहीं है, पूरी तरह से ये परिवार गरीबी रेखा के अति नीचे है, इनके पास आवास तक नहीं है। मैं चाहता हूं कि शासन इनके इस गरीबी में इनको मदद करे। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।